वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 24। ये कहानी अब स्कॉटी की मौत के राज को खोलकर बहुत आगे निकल चुकी है। नोआ ने उसकी सजा भी काट ली है। इस तरह इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब सबकी नई जिंदगियों ने नए नए मोड़ लेने शुरू कर दिए हैं। नोआ तो मौत के कगार पर खड़ा है, पता नहीं उसका क्या होगा। पर उससे पहले इस पार्ट के पहले हिस्से में हेलन की कहानी बयां होगी। हेलन की कहानी जानने के लिए हमें एक साल पीछे जाना पड़ेगा। एक साल पहले उसने विक के साथ रिश्ता शुरू किया था। जब नोआ ने उसे छोड़ा तब उसने भी प्यार ढूंढना शुरू किया। मैक्स से उसकी नहीं बन पाई, पर विक उसे ज़्यादा कंपेटिबल लगने लगा। उसके साथ रिश्ते में रहते हुए वो अपने बच्चों को भी संभाल लेती है। स्टेसी और ट्रेवर अब और भी बड़े हो गए हैं। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए हेलन को और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो कुछ भी विटनी के साथ हुआ उससे अब हेलन अपने बच्चों के पालन पोषण में अब ज़्यादा ध्यान देती है। मार्टिन भी काफ़ी बड़ा हो गया है, वो अब नोआ से नफरत करता है। इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि नोआ अपने सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार मार्टिन से करता था, उसे सब कुछ शेयर करता था। पर धीरे धीरे वो बॉन्डिंग नहीं रही और अब तो मार्टिन नोआ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। स्टेसी जब बाहर को जा रही थी अपने ग्रुप स्टडीज़ के लिए, तब हेलन ने उसे कहा, मुझे वादा करो कि तुम वो गलतियां नहीं करोगी जो विटनी ने की, उनसे सीख लोगी। स्टेसी ने भी हेलन से वादा किया इन सब के लिए। इन सब के बाद जब हेलन फ्री हुई तब विक ने कहा, ओहो कितने सारे बच्चे हैं तुम्हारे। हेलन ने कहा, आज रात विटनी के यहाँ जाना है, हमें उसके साथ डिनर करना है। इस पर विक ने जवाब दिया, अच्छा तो अभी एक और बच्चा है। विक अक्सर हेलन को उसके बच्चों की संख्या के लिए ताना मार देता है। हेलन उसे सुन लेती है, अगर नोआ होता तो कम से कम ऐसे ताने तो नहीं मारता। दिन में समय निकालकर वो नोआ से जेल में मिलने गई है। नोआ की बाईं आंख पर चोट है। नोआ ने कहा, तुम अकेली यहाँ आ गई। हेलन का ध्यान उसकी चोट पर है, तुम्हें किसने मारा? नोआ ने कहा, मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया था। इस पर हेलन ने कहा, झूठ मत बोलो, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी। आखिर तुम्हारे साथ इतनी हिंसा होती है और तुम उसे बर्दाश्त करते हो? यहाँ का स्टाफ तुम्हारे साथ ऐसा होने दे रहा है? ये जेल है या क्या है? मैं किसी लॉयर से बात करती हूँ, हम इस जेल पर मुकदमा करेंगे। इस पर नोआ ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। और ये तुम्हारे झुमके जो मिल नहीं रहे थे, अब तुम्हारे कानों में कैसे? हेलन ने कहा, हाँ अब वो मिल गए हैं। नोआ ने पूछा, मैंने तुम्हें बच्चों को लाने को कहा था, वे कहाँ हैं? इस पर हेलन ने जवाब दिया, ट्रेवर का नाटक है, वो उसमें बिजी है। ये कहकर वो थोड़ी खामोश हुई, ऐसा लगा वो झूठ बोल रही है। नोआ ने भी इसे भांप लिया, वो थोड़ा गुस्सा भी हुआ। अपने चारों तरफ देखो, यहाँ सभी के बच्चे आते हैं हफ्ते में दो दो बार, और तुम हर बार बहाना बना देती हो, तुम चाहती ही नहीं कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। हेलन को अब सच बताना ही पड़ा। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे अब तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम्हें इस हालत में तो वो और भी नहीं देखना चाहेंगे। हम किसी लॉयर से बात करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। नोआ ने कहा, हेलन मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, अगर बच्चे नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, अब से तुम यहाँ मत आना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हेलन थोड़ी भावुक भी हुई, तुमने मेरे लिए ये सब किया है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती, और एक मैं ही तो हूँ जो तुमसे मिलने आती है, क्या और भी कोई है? नोआ जानता है कि ये सच है, इस हालत में एलिसन तो उसे पूछती भी नहीं है, अब उसका कोई है ही नहीं। फिर भी उसने हेलन से कहा, मैंने ये सब बच्चों के लिए किया था, उनके बेहतर जीवन के लिए जो सिर्फ तुम उन्हें दे सकती हो। हेलन ने कहा, मतलब ये सब तुमने मेरे लिए नहीं किया, सिर्फ बच्चों के लिए किया है? इस पर नोआ का जवाब था, तुम आगे से मुझे मिलने मत आना, अब तुम जाओ। हेलन के लिए ये सब बड़ा तकलीफ देह है, पर अब वो क्या करे, वो वापस आ गई है। रात को विक को लिए विटनी के यहाँ पहुँची डिनर के लिए। विटनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, मॉडलिंग में करियर देख रही है। हेलन को पसंद नहीं कि विटनी किसी मर्द के साथ रहे। ये सब उसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने पूछा, तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो, मैंने तुम्हारे 6 महीने की फ़ीस भरी है। विटनी ने कहा, माँ आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपना करियर संभाल लूँगी, और आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखें, आप भी तो विक के साथ वही कर रही हैं जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही हूँ, आप उसके साथ रहती हैं, अय्याशी करती हैं, तो फिर अगर मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया, दोनों एक ही तो बात है, और आप मुझे डैड से मिलने को क्यों कह रही हैं, मुझे किसी खूनी से नहीं मिलना। अब नोआ का भी जिक्र उठा है, विटनी भी नोआ से नफरत करती है। हेलन ने कहा, तुम अपने पिता से एक बार बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती,
तुम्हें पता है उनकी आँख सूज गई है, गले पर घाव है। तुम सबसे बड़ी हो, अगर एक बार अपने पिता से मिल लेती तो उन्हें कुछ अच्छा लगता। और वो खूनी नहीं है, उस रात मैंने शराब ज़्यादा पी ली थी इसलिए गाड़ी कभी वो तो कभी मैंने चलाई। विटनी ने कहा, पर आपने तो बताया था कि आप टैक्सी लेकर घर चली गई थी। अब हेलन सच कैसे बताए कि वही वो शख्स है जिसने स्कॉटी पर गाड़ी चला दी थी। उसने इतना ही कहा है कि वो वहाँ मौजूद थी, अगर चाहती तो नोआ को रोक सकती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ी सी कसूरवार वो भी है। इन सब बातों से विटनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में हेलन खाना खत्म करने से पहले ही यहाँ से चली गई। अब उसे विक के गुस्से का सामना करना है, क्योंकि उसे बिना बताए वो जेल में उससे मिलने गई थी और डिनर टेबल पर उसके मुंह से ये सच निकल गया। घर पर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। विक ने कहा, तुम्हारे इतने सारे बच्चे, मैं किस किस के साथ एडजस्ट करूं? और तुम मुझे बताए बिना नोआ से मिलने जेल में चली गई। हेलन ने कहा, मैं उसे रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। विक ने भी कहा, मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारे बच्चों का बाप है, पर तुम मुझे बता सकती थी। हेलन ने इसके लिए माफ़ी मांगी और अब इन दोनों के बीच सब ठीक है। हेलन ने वादा किया है कि आगे से वो नोआ से मिलने नहीं जाएगी, पर उसके अंदर का गिल्ट उसे परेशान किया जा रहा है। नोआ ने उसके और उसके बच्चों के लिए कुर्बानी दी, जेल चला गया, अब वो उसे देखने भी नहीं जा सकती। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें एलिसन की कहानी बयां होगी। आज वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही है, ख्यालों में डूबी हुई। अब बहुत कुछ बदल चुका है, जोनी उसके पास नहीं है, इनफैक्ट अब उसके पास कोई नहीं है। इसी क्रम में वो मॉन्टॉक पहुंची है। इतने लंबे समय के बाद इस जगह को देखकर वो भावुक भी हुई है। थोड़ी देर बाद वो जोनी के स्कूल में पहुंची, छिपे छिपे उसने जोनी को खेलते हुए देखा। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने अपने कपड़े ठीक किए, शायद उससे मिल पाए। इतने में उसे कोल दिखा जो कि जोनी को लेने आया है। उसने उसे गोद में उठाया और कार में बिठाकर चला गया। ये सब देखकर एलिसन की भावनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब वो अपनी बेटी को पाना चाहती है। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा, मैंने अपनी बच्ची के साथ कोल को देखा, मुझे मेरी बेटी चाहिए, कुछ भी कीजिए। पर स्कॉटी की मौत वाली रात के बाद क्या हुआ था कि जॉनी कोल के पास आई और एलिसन ने उसे खो दिया, ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो वो लॉबस्टर रोल पहुंची है, यहाँ कोल है, अपने रेस्टोरेंट के कामकाज में मशगूल है। एलिसन ने पूछा, क्या तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? कोल तो उसे बात नहीं करना चाहता था, पर फिर भी एलिसन के रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे अकेले में ले गया। यहाँ कोल ने उसे कहा, तुम 6 महीने से गायब हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फ़ोन तक नहीं उठाया, कोई ख़त नहीं लिखा, तुमने जॉनी के बारे में भी नहीं सोचा। एलिसन ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पर बाद में, फिलहाल मुझे जॉनी से मिलना है। कोल ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम ऐसे ही जब चाहो आ जाओ चली जाओ, उस बच्ची पर क्या गुजरेगी, तुमने कभी सोचा है? वो अब 4 साल की हो गई है। एलिसन ने अपने चेहरे के भाव को गंभीर करते हुए कहा, मैं उसकी माँ हूँ और तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। अब कोल ने हार मान ली है, उसने कहा, वो शाम को 5 बजे आ जाएगी, तब मिल लेना। एलिसन अब थोड़ी नर्वस भी है, लंबे टाइम के बाद वो जॉनी से मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो चेक करने गई है कि कहीं उसके नाम पर कोई खत तो नहीं आया। यहाँ उसे खतों की एक गठरी मिली है, ये खत किसके हैं ये हमें आगे पता चलेगा। शाम को वो पहुँची कोल के घर। कोल ने उसे अंदर तो आने दिया, पर लुइजा के साथ उसने फैसला किया है कि ये दोनों एलिसन को उससे नहीं मिलने देंगे। लुइजा ने कहा, उसकी बेहतरी इसमें है कि तुम उससे ना मिलो। एलिसन यहाँ गुस्सा भी हुई और कहा, तुम लोग मेरी ही बेटी से मिलने से मुझे रोक रहे हो। लुइजा ने कहा, पहले तो तुमने इस बात को राज रखा कि वो कोल की बेटी है, फिर तुम गायब हो गई, हम तुम्हें उससे नहीं मिलने दे सकते, और तुमने खुद ही वकील के सामने कागज़ पर साइन किए थे। एलिसन ने कहा, तब मैं होश में नहीं थी और मैं उसके लिए एड्रेस लाई हूँ, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो। फिलहाल कोल भी एलिसन के खिलाफ है, वो लुइजा की हर बात का समर्थन कर रहा है। अक्सर वो एलिसन के सामने कमज़ोर पड़ जाता था, पर इस समय उसने उसके साथ कठोरता दिखाई है। उसने कहा, जॉनी के लिए लुइजा एक बेहतर माँ है, वो उसका अच्छे से देखभाल रखती है, उसने उसे बिल्कुल बदल दिया है। एलिसन यहाँ काफ़ी गिड़गिड़ाई, पर इन दोनों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। गिफ्ट के साथ वो वापस आ गई है, पर वो धमकी देकर आई है कि कुछ भी हो वो अपनी बेटी से मिलकर रहेगी। रास्ते में उसे ऑस्कर मिला, उसने खुशखबरी दी है कि जेनी अब प्रेग्नेंट है, अब वो बाप बनने वाला है। वो एलिसन को ज़िद करते हुए ले आया ड्रिंक पिलाने के लिए, एलिसन ने तो पीने से इनकार कर दिया। ऑस्कर ने जानना चाहा कि आखिर इतने समय से एलिसन थी कहाँ। एलिसन ने बताया,
मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर कोल मुझे जोनी से मिलने नहीं दे रहा। ऑस्कर जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। एलिसन ने कहा, जब जोनी की तबीयत 10 दिनों से ख़राब थी, तब मुझे लगा कि कहीं गैब्रियल की तरह मैं इसे भी ना खो दूँ। मुझे लगा मैं ही मनहूस हूँ। मैंने जोनी की कस्टडी कोल को दे दी थोड़े समय के लिए। मैंने उसे कहा था कि मैं जल्द आ जाऊँगी, और अब जब जोनी ठीक है मैं वापस आ गई हूँ, तो कोल मुझे उसे मिलने नहीं देता। ऑस्कर ने उसे सलाह दिया, तुम्हें एक अच्छे वकील की ज़रूरत है। एलिसन ने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा है, वो घर में आ गई है। या उसने उन खतों के ढेर में से एक खत निकाला। ये खत किसके हैं फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुआ। इतने में कोल जोनी को लिए यहाँ आ गया। एलिसन ने उसे रोते हुए गले से लगाया, उसे जैसे सब कुछ मिल गया हो। उसने जोनी का माथा चूमते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं इतने टाइम तक तुमसे दूर रही। जोनी तो अपना कमरा देखने चली गई। एलिसन ने कोल को शुक्रिया कहा। कोल ने कहा, ये सब मैंने उसके लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनकर एलिसन की खुशी काफूर हो गई। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।